हे एवरी वन, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ पॉलमी एंड वेलकम टू माई चैनल बाइफोकल जिंदगी. कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं भी अच्छी हूँ. आज सुबह सुबह ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए. और हमारे घर में हम सब रेडी हो चुके हैं. हम लोग अभी थोड़ा घूमने जाएंगे, मतलब फैमिली आउटिंग टाइप आप बोल सकते हो, तो इसलिए. और ये रहा मेरे पीछे मनोजीत, ये भी रेडी हो चुका है. आप देख नहीं पा रहे होंगे शायद अच्छे से. तो अभी निकलेंगे हम लोग और हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी घुमा के लाते हैं. तो चलिए चलते हैं. और ये रही मृंका. हाय. ये भी रेडी हो चुकी है और हम दोनों ने सलवार सूट पहना है. तो अभी जाएंगे. रुकिए, मैं मेरे मतलब मम्मी पापा को भी दिखाती हूँ, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को. वो लोग भी रेडी हो चुके हैं. और ये देखिए, ये है मेरे मदर इन लॉ. नमस्ते. तो मम्मी भी रेडी हो चुकी है. अभी हम लोग सब मिलके जाएंगे घूमने के लिए. और मैं आपको पापा से भी मिला देती हूँ. इन दोनों से मिलवाना नहीं हुआ अब तक आप लोगों को, तो आज मौका मिला तो सोचा आप लोगों से मिलवा देती हूँ. और ये है मेरे फादर इन लॉ. तो ये भी आज रेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी सारे सब मिलके जाएंगे. अच्छा लगेगा ना हम लोग को? बहुत अच्छा लगेगा. आज का ट्रिप हम लोग का एंजॉयबल रहे. सही में तो हम लोग मतलब ऐसा ट्रिप नहीं होता ना, हम लोग भी बाहर रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि सब मिलके जाएंगे. हाँ, आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन गुजरेगा. हाँ, बाय. मैं भी उठ गई हूँ. अभी हम सब जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं. अभी हम लोग आए हैं एक मंदिर. ये काली माता का मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे. अभी तो शादी के बाद पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं ना छुट्टी पे, तो इस मंदिर में मेरे सासू माँ को मन था कि हम लोग आए और पूजा करें दोनों, तो इसलिए हम सब अभी आए हैं. और मैं और मृंका भी दिया वगैरह जला रहे हैं, मनोजीत भी जलाता है. उसके बाद हम लोग भगवान जी का आरती वगैरह करते हैं और यहाँ पर थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं मंदिर में. मैं पहले आरती करती हूँ, उसके बाद मनोजीत करता है, उसके बाद मम्मी भी कर लेती है. तो हम सब एक एक करके भगवान जी का आरती करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे जो दिया है ना उसको इस जगह पे रखने का एक जगह है, तो भगवान जी का आरती करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये दिया वगैरह रख देते हैं आके. और उसके बाद थोड़ा मंदिर को घूम के देखते हैं कि कैसा क्या है. बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये. मंदिर में एक तरफ शिव जी का एक टेंपल है, तो एक साइड में शिव जी का यहाँ पे अलग सा मंदिर है और इस तरफ काली माता का मंदिर है. और ये है पूरा सा मंदिर प्रांगण. हम लोग आए और पूजा भी हो गया. ये एक काली माता का मंदिर है, मतलब काली का ही एक अवतार, तो यहाँ पे ही आए थे हम लोग पूजा करने के लिए. तो पूजा वगैरह हो गया है. अभी हम लोग कहीं और एक मंदिर जा रहे हैं,
तो आपको दिखाएंगे कहाँ जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, अभी और एक मंदिर जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत मतलब जागृत मंदिर है इधर का। लेट अस हैव अ लुक ऑफ द अदर मंदिर। हम सब ने पूजा वूजा कर लिया, अभी निकलेंगे हम लोग। और ये देखिए सिंदूर वगैरह लगा लिया है हम लोगों ने। काली माता का ही मंदिर है ये, मतलब काली माता का एक अवतार है। तो अभी और एक मंदिर जाएंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। मंदिर के सामने ही इस तरफ सारा शॉप्स लगा हुआ है जहाँ से आप पूजा के सामग्री खरीद सकते हो, और दूसरी तरफ मंदिर है। तो रास्ते के एक साइड पे मंदिर है और एक साइड पे सारे शॉप्स हैं। तो हमारा पूजा हो गया है, अभी हम लोग एक दूसरे जगह जा रहे हैं। अभी हम लोग एक दूसरे मंदिर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी ये सब ज़्यादा अलाउड नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा परमिशन लिया और थोड़ा सा आपके लिए मतलब शूट किया ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा देर रुकते हैं। अभी हम लोग जो दूसरा मंदिर है वो भी दर्शन करके आ गए। वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी हम सब जा रहे हैं लंच करने के लिए, और ये भाव खा रही है कि नहीं जाना है इसको, लेकिन हम लोग इसको लेके जाएंगे। तो अभी लंच करने के लिए जाएंगे, देखते हैं। मन है कि ऑथेंटिक बंगाली फूड ही खाएंगे। तो जाते हैं, कहाँ जाते हैं आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए टी गार्डन्स है। बहुत सुंदर ये रोड है, और असम तो टी के लिए फेमस है ही, तो इस तरफ बहुत सारा टी गार्डन्स है। तो मंदिर से पूजा करके अभी हम लोग निकल गए हैं और आए हैं मॉल में। यहाँ पे एकदम टॉप फ्लोर पे एक बहुत अच्छा बंगाली रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम लोग अभी लंच करने जा रहे हैं। और हमें बंगाली ऑथेंटिक थाली खाना था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, बाबू मोशाई नाम था इसका, और खाना बहुत बहुत टेस्टी था। तो हम लोग यहाँ इसी रेस्टोरेंट को चूज़ करते हैं हमारे लंच के लिए आज का। तो हम सब अभी बैठ रहे हैं, लंच ऑर्डर करेंगे, और लंच में हम लोग ले रहे हैं थाली, क्योंकि हम सभी को आज थाली खाना था। लंच ऑर्डर कर दिया है अभी हम लोगों ने, तो लंच आएगा, उसके बाद दिखाते हैं क्या क्या लिया है। और अभी हम लोग लंच वंच करेंगे, सब मिलके बैठे हैं सारे। हमने हिलशा फिश थाली और चिकन थाली ऑर्डर किया था। तो पापा, मैंने और मियांका ने चिकन थाली लिया था, और मम्मी ने और मनोजीत ने फिश थाली लिया था। तो जिसमें एग भी था, और मिक्स्ड वेज दाल, फिर चटनी वगैरह भाजी, और ये था हिलशा फिश चिकन। और सारा खाना बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ना थाली ऑर्डर किया है, मैंने और पापा ने और मियांका ने किया है चिकन थाली, और माँ ने और मनोजीत ने किया है फिश थाली, हिलशा फिश थाली। तो अच्छा ही है, अब खा के देखेंगे कि कैसा है। तो खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। खाओगे? खाना कैसा है? अच्छा है। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है। पापा को कैसा लग रहा है? घूम के आ गई हूँ वापस, पूरा दिन आज बहुत घूमी हूँ, और दो दो मंदिर जाना हुआ, फिर बाहर लंच वंच भी किया, बहुत अच्छा लगा आज। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शायद निकल लूँगी। थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, इसलिए निकलना पड़ेगा।
तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।